पंजाब की वजारत आला के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी है। वफाकी वजीर मोनी सलाही को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मोनी सलाही ने अलीम ग्रुप के मजीद तीन रुकन तोड़ लिए। अशरफ रैन, ओन डोगर और अलमदार कुरैशी काफ लीग को वोट देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ अयाज शुजात से। जी अयाज, बताएगा। शुजा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मोनी सलाही ने अलीम खान ग्रुप के दो रकन असेंबली फोरम लगारी और वैस रिश को गुज़श्ता शब ही तोड़ लिया था और वो कल रात होने वाले इशाइये में शरीक भी हुए थे। अब ये एक और बड़ी कामयाबी हुई है। तीन रकन असेंबली ऑन डोगर और अशरफ रिंद को भी मोनी सलाही ने तोड़ लिया है और उन्होंने आकर ना सिर्फ चौधरी जुबैर की मुलाकात की है बल्कि उनको वोट देने का भी वादा किया है। जी अच्छा आयाश शुजा, ये भी बताएगा, तीन अरकान जैसे आप बता रहे हैं कि अलीम के जो मजीद तीन रुकन है वो तोड़ लिए गए हैं, तो परवेज इलाही कितने पूरे एतमाद है इस हवाले से कि जो उनकी कामयाबी होगी या नहीं होगी? आठ अरकान असेंबली अलीम खान ने दावा किया था वो लेकर अहमदाबाद को वोट देंगे, उन आठ में से पाँच तो टूट चुके हैं, अब बाकी उनके पास सिर्फ तीन बचे हैं। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो सरदार उस्मान बुज़ार साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के राइट हैंड थे असद ठोकर जो सूबाई वजीर थे वो अपने साथियों समेत उस साइड पे चले गए हैं। तो ये अब कहना मुश्किल है कि ये मामला किस तरफ जाता है, किस हद तक ये मामला आगे बढ़ता है। जी अच्छा अयाज साहब, ये भी बताएगा, पंजाब असम्बली में अराकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद इजलास शुरू होगा। कल भी जैसा कि देखा गया कि इजलास ताखीर का शिकार रहा, आज इजलास टाइम से शुरू हो जाएगा कि नहीं? जी, अभी तक ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अराकीन असम्बली की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है और किसी वजह से इजलास आज भी मुमकिन तौर पर ताखीर का शिकार होगा। अराकीन असम्बली अभी तक उनकी आमद का सिलसिला पंजाब असम्बली में जारी है, जब तक पूरे अराकीन असेंबली नहीं हो जाते ना तो अपोजिशन को ये अपना सूदमंद लगता है ना ही हुकूमती बेंचों को सूदमंद लगता है कि वो इसमें वोटिंग करवाए। जी अच्छा अयाज साहब, ये भी बताएगा, अगर आज भी इजलास ताखीर का शिकार रहा तो वोटिंग का अमल भी मुतासर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, इस सिलसिले में वोटिंग का अमल मुतासर नहीं होगा। जैसे ही दोनों जमातों यानी हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस होगा वोटिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा और जैसे ही दोनों जमातों को पता चला कि उनके तमाम वोटर्स जो हैं वो असेंबली पहुंच चुके हैं वोटिंग का अमल शुरू करवा दिया जाएगा। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब की वजारत आला के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी है। वफाकी वजीर मोनी सलाही को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मोनी सलाही ने अलीम ग्रुप के मजीद तीन रुकन तोड़ लिए। अशरफ रैन, ओन डोगर और अलमदान कुरैशी काफ लीग को वोट देंगे। आपको बताएं कि सियासी पारा हाई है और वजारत आला के हवाले से पंजाब की वजारत आला के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है।